पहले मुझे लगा था तुम्हारे ऊपर नीला सबसे अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे लगता है मैं गलत थी। तुम पर सफेद अच्छा लगेगा। इस समय मेरे मन में बलि के बकरे की तरह अनगिनत ख्याल आ रहे हैं। मैं उस सीक्रेट एजेंट की तरह हूँ जो दुश्मनों के बीच तुमका रहता है। शिया योशिंग, तुमने सुना है फूड डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हुई है। मैं जानता था कि तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगे, इसलिए मेरा ट्रांसफर आसानी से नहीं हुआ। जानते हो मैंने तुम्हारा ट्रांसफर क्यों नहीं किया? इसका मुझे कैसे पता होगा? क्योंकि अब तुम फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में हो। शियायुशिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम एक फेमस एक्टर हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम्हारा असिस्टेंट कहा है, तुमने उसे रोका नहीं? फोटोज मत खींचो। और सुनो, ये फोटोज अगर बाहर आ गई ना तो तुम लोगों को मुझे जवाब देना होगा। निकलो बाहर। तुम बस ये बताओ, तुम गई कहाँ थी? मैं डिनर पर गई थी। किसके साथ? योशिंग के साथ। तुम उससे ज्यादा फ्रैंक नहीं हो रही हो? क्या इसका मुझसे कुछ लेना देना है? वैसे कल रात कुछ हुआ था क्या? क्या हुआ कल रात? क्या तुम ठीक से सोए नहीं? नहीं, ऐसा नहीं, वो मतलब नहीं था। हमने रात को डिनर भी किया था साथ में, वो भी मेरे घर पर। उसके बाद फिर मैं कब आई तुम्हारे पास डिनर के लिए? मुझे पक्का यकीन। शेयोशिंग, क्या तुम दिन में सपने देखना बंद करोगे? अगर तुम फ्री हो तो अपने काम पर वापस चले जाओ। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। तुम एक कुक हो, माइंड योर ओन बिजनेस। मैं अपने डैड को लेने आया हूँ, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। अपनी जबान से जल्दी चेकआउट कीजिए। क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? क्या किया तुमने? ये देखिए इसने क्या किया। मेरे डैड को मारा इसने। तू जाकर एम्बुलेंस बुला। आपको चोट लगी है, डॉक्टर को दिखाना होगा। मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। मैं मकाई हूँ, जेआर होटल की नई सीईओ। मेरे पास एक खास ताकत है, जब मैं किसी को छूती हूँ तो मुझे उनके भविष्य की झलक दिखाई देती है। लेकिन उसके तुरंत बाद मुझे सर में एक अजीब सा भयंकर दर्द होता है। हम टर्बुलेंस का सामना कर रहे हैं, कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें। तुम्हें कोई दिक्कत है? क्या हो रहा है? मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? जब उसने मुझे छुआ तो मेरा सरदर्द ठीक क्यों हो गया? दो महीने में मैं इस होटल की सारी प्रॉब्लम्स दूर कर दूंगा। ये काफी बड़ा दावा है। मुझे भी दो महीने से ज्यादा नहीं लगेगा तुम्हें यहाँ से भगाने के लिए। मेरा एक ही एम है, जेआर को फिर से ऊंचाइयों पर ले जाना। बिना कहे मुझसे बात मत किया करो। काम के दौरान अगर बाथरूम भी जाना है तो मुझे बताकर जाना, और मेरे पास किसी को आने मत देना। बस तुम आ सकते हो। बस मैं? एक कमरा लो। आज थाई सुपरस्टार मिस लू जिनजिन शिशु आंगना में आएंगी। हैंडसम, क्या तुम किसी बड़े स्टार के साथ प्यार करने के बारे में सोच रहे हो? क्या इरादा है? लू जिनजिन, दूसरों के बॉयफ्रेंड चुराना कब बंद करने वाली हो? तुम दोनों अच्छी दोस्त थी ना। जिसे चुराया जा सकता है वो तुम्हारा नहीं है। जो प्यार में नहीं है वही तीसरा है। शियायुशिंग मेरा है, मैं उससे प्यार करती हूँ, और तुम हमारे बीच में आना बंद करो। तो कौन है? मैं काई का बॉयफ्रेंड हूँ, समझ आया? तुम इनके बॉयफ्रेंड हो? ये आपका बॉयफ्रेंड है? एक ऐसा लड़का जिसका कोई रुतबा ना हो, कोई आइडेंटिटी ना हो, वो काई के पास आ रहा है। मुझे नहीं पता कि उसके दिल में क्या है, ये मुझे जानना होगा। काई सिर्फ मेरी है। मिस्टर हान ऐसा कैसे कह सकते हैं? यार उसे लगता है कि तुम उसके कॉम्पिटिटर हो। शिया योशिंग, प्यार